हरिद्वार के मंगलौर थाना क्षेत्र के गुदरजुड़ा गांव में आज भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। मामला सुबोध हत्याकांड से जुड़ा है। दरअसल कुछ दिनों पहले दलित युवक की हत्या कर गांव से कुछ दूरी पर दलित युवक का शव फेंक दिया गया था। पुलिस द्वारा दलित युवक की हत्याकांड का खुलासा नहीं किया गया। इसी को लेकर आज भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर हत्याकांड का खुलासा जल्द नहीं किया गया तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी महेश सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन सुबोध के परिजनों को टारगेट कर रहा है, जिसे भीम आर्मी कार्यकर्ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन सुबोध के परिजनों को टारगेट करता रहा तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने पर उतारू हो जाएंगे, जिसका खामियाजा पुलिस प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। गांव गदर जुड्डे का हमारा भाई सुबोध, जिसकी बहुत ही निर्दनीय हत्या कर दी गई थी और फिर उसका शव जो है यहां से कम 7-8 किलोमीटर झिबरण गांव पड़ता है, वहां से बाघ में से मिली। और यहां का पुलिस प्रशासन जो आज तक एक महीना हो गया इस पे चुप्पी साधे बैठा है, बार बार इनके घर वालों को टारगेट करने में लगा है। इसी के माध्यम से जो आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया, हम अपनी बात रखने के लिए आए हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन समस्त टीम की ओर से मैं इस परिवार को आश्वासन दिलाने के लिए आया हूँ, सीधा कहने के लिए आया हूँ कि अगर ये मामला जल्दी से जल्दी संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो फिर मेरे भी बस से बाहर होगा और यहाँ का उत्तराखंड का चक्का जाम होगा। जय भीम।